नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। स्वागत है आपका खास पेशकश में। यूपी में योगी सरकार भले ही व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा देने के दावे करे, मगर बुलंदशहर में तो योगी के एसपी मनीष मिश्रा ने 3 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का आगामी 24 घंटे में खुलासा करने में व्यापारियों से असमर्थता जता डाली और हाथ जोड़कर इसके लिए क्षमा भी मांगते नजर आए, जिससे गुस्साए व्यापारियों ने पश्चिमी यूपी की तमाम मंडियों को बंद कराने की चेतावनी दे डाली है। हालांकि एसपी देहात स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व हुई लूट की वारदातों का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। लूट की वारदातों से गुस्साए गल्ला व्यापारियों के सामने हाथ जोड़कर 24 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा करने में माफी मांगते हुए असमर्थता जता रहे हैं। बुलंदशहर के एसपी देहात मनीष मिश्रा ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, जिनके कंधों पर आधे जनपद की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व है। जब वो ही वारदातों का 3 दिन बाद भी आगामी 24 घंटे में लूट की वारदात का खुलासा करने को लेकर हाथ जोड़ लेंगे, तो फिर कैसे कायम हो सकेगा योगी राज में कानून व्यवस्था का राज। दरअसल 3 दिन पूर्व अनूप शहर में गल्ला व्यापारी दिनेश बंसल के मुनीम को बदमाशों ने गोली मारकर 5 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी और 1 सप्ताह पूर्व गल्ला व्यापारी मुकेश कुमार से 4 लाख की नकदी से भरा बैग लूट लिया गया था। लूट की वारदातों से नाराज बुलंदशहर की कई मंडियों के गल्ला व्यापारियों ने आज बुलंदशहर में लूट की वारदातों के खुलासों की मांग को लेकर जुलूस निकाला। मौके पर पहुंचे एसपी देहात मनीष मिश्रा व्यापारियों की मांग के आगे असहाय हो गए और कहने लगे कि 24 घंटे में लूट का खुलासा नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करो। साथ ही कहने लगे कि मेरी पुलिस आपके साथ है, टीमें लगी हैं, कोशिश कर रही हैं। सर, अनूप शहर के व्यापारी अभी आपसे मिले थे, क्या उनकी मांग थी और किस तरह का मामला है? ये अभी कुछ दिनों पहले अनूप शहर में लूट की वारदात हुई थी, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इसी खुलासे के लिए, और व्यापार मंडल वाले कुछ पदाधिकारी आए हुए थे जो जनपद की विभिन्न मंडियों से कुछ लोग संबंधित हुए थे और मंडी में उस सुरक्षा के इंतजाम के लिए आए हुए थे। उनसे बात कर लिए, उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी घटना का अनावरण होगा, अभियुक्त पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और मंडी की सुरक्षा व्यवस्था भी और पुख्ता कर ली है। लूट की वारदात का 2 दिन में खुलासा न होने पर व्यापारी नेताओं ने पश्चिमी यूपी की मंडियों को बंद कराने की चेतावनी दी है। एसपी देहात स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ दिन पूर्व लूट की वारदात हुई, जिनका पुलिस खुलासा नहीं कर सकी, लेकिन हाथ जोड़े जाने के मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि जब पुलिस के अधिकारी ही पीड़ितों के आगे खुलेआम हाथ जोड़ लेंगे, तो फिर कानून का राज कैसे कायम रह पाएगा? कितना ही शातिर दिमाग क्यों ना हो, गुनाह के कुछ सबूत छोड़ ही जाता है। पुलिस के हाथ, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन आज बुलंदशहर पुलिस ने साबित कर दिया कि कानून के हाथ छोटे हो गए हैं। अनूप शहर में 3 दिन पुरानी हुई लूट की एक वारदात का पुलिस ने खुलासा नहीं किया अभी तक। आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर जुलूस निकाला। वहीं बुलंदशहर के एसपी सिटी मिश्रा जी ने व्यापारियों के साथ हाथ जोड़कर 3 दिन में लूट का खुलासा ना करने के लिए माफी मांगी। तो जब पुलिस के हाथ अपराधियों की गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाएंगे और व्यापारियों के आगे ही हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे, तो अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? कैमरामैन अदनान के साथ सीएमएन न्यूज बुलंदशहर, रिजवान अंसारी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।